अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एंड स्पेशल एपिसोड ऑफ हुमायूं टॉकीज। मेरा नाम हुमायूं है एंड वी आर राइट नाउ इन दुबई एक्सपो 2020। आज का व्लॉग हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको लेके चलेंगे अंदर और दिखाएंगे कि एक्सपो 2020 में आप लोगों के लिए क्या है और हम स्पेशली कराची से फ्लाई करके आ रहे हैं। तो आ जाए मेरे साथ। ओके, सो यहाँ से हम एंटर हुए हैं और एंटर होने के बाद अब हमें चूज करना है कि हमें पहले कौन से पवेलियन में जाना है। यहाँ मुख्तलिफ ममालिक अपनी तरह तरह की प्रोडक्ट्स को पेश करने के लिए हैं। सबसे पहले सामने मुझे बहुत ज़बरदस्त क्रिसमस ट्री नज़र आ रहा है जिसकी तरफ मैं आपको लेके भी जाऊँगा, लेकिन यहाँ बच्चे भी कुछ कर रहे हैं इसके साथ। बहरहाल अभी हम आपको लेके जा रहे हैं अंदर और हम अंदर जो है वो मज़ीद चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा चीज़ें जो अट्रैक्टिव लग रही हैं वो ये इसलिए भी हैं बिकॉज क्रिसमस की आमद आमद है, नया साल भी आ रहा है। सो मुल्क भर में क्रिसमस की सेलिब्रेशंस भी दुबई में चल रही हैं और बहुत खूबसूरती से दुबई को सजाया भी जा रहा है। इसी तरह और ममालिक में भी क्रिसमस की सेलिब्रेशंस पूरे महीने चलती हैं जब दिसंबर आ जाता है, लेकिन दुबई में चूंकि हर तरह के मल्टी कल्चर लोग रहते हैं सो यहाँ सेलिब्रेशंस चीज़ें बहुत ही डिफरेंट होती हैं। सो ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं जो हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो आप पैदल जाएंगे आपकी हो जाएगी, इसलिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं कि जिनके जरिए आप बहुत बेहतर तरीके से एक्सपो देख सकते हैं। आई बिलीव हमें बहुत सुबह आना चाहिए था बट हम शाम में आए भाई, हमारी मर्जी, हमसे लाइटें देखने की इसलिए हम शाम में आए। बाकी ये मार्च तक चलने वाला एक्सपो है जिसमें लोग यकीनन आएंगे, अपनी एफर्ट शोकेस करेंगे। फिलहाल वी आर फाइंडिंग पाकिस्तान पवेलियन, सो हम वो देखते हैं, आगे चलते हैं, आपको सबसे पहले पाकिस्तान दिखाते हैं एंड देन उसके बाद फिर आगे नजदीक पड़ेंगे। सो आइए मेरे साथ। इससे पहले मैं कहीं राइट लेफ्ट आगे पीछे जाता तो जहाँ से मैं आया हूँ सबसे पहले अपने मुल्क को देखना चाहिए। सो पाकिस्तान को देखने के लिए मैं आया और मुझे ढूंढना था कि पाकिस्तान का है, तो फाइनली मुझे मिल चुका है। सो आप भी जरा कुछ पाकिस्तान पवेलियन के शॉट्स देखें, उसके बाद मिलते हैं। सो हैव अ लुक। ओके, सो हमें यहाँ से क्यू में जाना है, हम क्यू बनाते हुए जाएंगे और आप देखें पाकिस्तान के अलावा और बहुत सारे पवेलियंस बने हुए, लेकिन मैंने ये भी देखा है अब तक कि ज़्यादा रश पाकिस्तानी पवेलियन पे है। कितना खूबसूरत ये पवेलियन बना हुआ है बाहर से और इसमें मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की पिक्चर्स देखी थी और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं भी आ जाऊँगा, बिकॉज आई वॉज नॉट इन प्लान। या मुख्तलिफ इस तरह की हमारे जितनी पाकिस्तान की हेरिटेज है उसको शोकेस किया जा रहा है। ये पाकिस्तानी क्राफ्ट है, पाकिस्तान अपनी तमाम खसूसियात की वजह से मशहूर है और तमाम चीज़ों को यहाँ लगाया गया है। ये हमारी इंडस सिविलाइजेशन का हिस्सा है और ये हड़प्पा में मिलने वाली चीज़ें हैं। मौसम तरीन बहुत है और जिस तरीके से हमारा हार्ट को प्ले किया गया है
कृष्णमी, क्या गुलाब की खुशबू है इसकी, अमेजिंग अमेजिंग। ये लाल शहबाज कलंदर की चादर है। दिस इज शाहजहां मस्जिद मट्टा मॉस्क, बहुत मशहूर है। यहाँ से हम एंटर हुए थे, अगर आप लोगों को मैं दिखा दूँ तो मैं नीचे खड़ा हुआ सोच रहा था ये लोग ऊपर से कहाँ जा रहे हैं, तो अब मुझे समझ आया है लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं। आह, दिस इज माई भागी, माई ढाई, राधा माई ढाई। के साथ let me show you pink salt। ओके, बिलियन ट्री प्रोजेक्ट, ये हमारे पीएम का प्रोजेक्ट है और जिसमें दरख्त लगाने की बातें हो रही हैं और जंगली हयातियात को उसके असल तरीके से स्टोर करना फिलहाल ज़रूरी है। जो क्लाइमेट चेंज दुनिया भर में देखा जा रहा है उसकी वजह से भी, क्या चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ है, क्या जंगल, क्या अर्बन फॉरेस्ट, सब चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ओह माय गॉड, यहाँ तो पानी है, क्या मैं पानी में जाऊँ? यस, ये पानी नहीं, ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। Now here is bazaar. So ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए वो ड्रेसेस हैं जो हमारी ख़वातीन पहनती हैं। ये वो खुस्से हैं, ये वो पठानी चप्पलें हैं जो मर्द हज़रात पहनते हैं। This is all about arts and crafts, traditions. दो पाकिस्तानी ख़ास प्रोडक्ट्स, पाकोला और रू अफज़ा। अगर आपको नहीं पता तो पाकोला सिवाय पाकिस्तान के कहीं नहीं मिलती, मतलब पाकिस्तान से ही आती है। और पाकिस्तानी कुजीन्स अगर आपको ट्राई करने हो, सो दे हैव ढाबा रेस्टोरेंट जहाँ पे यकीन पाकिस्तानी कुजीन्स मिलते हैं और उसको देखने के लिए हमें अंदर जाना पड़ेगा, जो कि हम जाएंगे कुछ ऐसे। ये
पाकिस्तानी सकाफत और वेटर्स ने वही ड्रेसिंग की हुई है। सो फिलहाल हमारा तो कोई खाने पीने का मूड नहीं है, सो इसलिए हम वापस बाहर जाएंगे। ओके सो ये हुकूमत सिंध की तरफ से एक कल्चर का छोटा प्रोग्राम है वो मुनाकिद किया गया है, जो हम चाहेंगे कि आप ज़रूर देखें। ये हुकूमत सिंध कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया है। अच्छा सो भूख लगी है हमें शदीद वाली, और आप सऊदीया गए हो तो आपको पता होगा कि लोग अलबैक के कितने फैंस हैं। सो अलबैक का खाना लोगों को बहुत पसंद है, मुझे बस ठीक है, लेकिन जो मेरे साथ है ना उन्हें बहुत पसंद है। तो उनको ऐसा लगता है अगर उन्होंने नहीं खाया तो उनका उम्रा कबूल नहीं होगा। सो अभी फ़िलहाल हम अलबैक जा रहे हैं, ज़रा वो पेट पूजा उसके बाद फिर आते हैं। डोमिनोस नहीं बल्कि अलबैक खाने आए हैं, जहां रश की सूरत हाल बताती है कि हम आज भी अलबैक नहीं खा सकेंगे क्योंकि बहुत रश है भाई। फरियादी दूर दूर तक खड़े हैं और लोग रोडों पे बैठ के अलबैक खा रहे हैं, यही अलबैक है। जो जो सऊदीया से आता है उसको अलबैक के नशे चढ़ जाते हैं। अरे नवाज सबार अली लंबा क्यू, देखते हैं क्या होता है। लंबा क्यू देख के मुझे ऐसा लगता है कि इरादे बदल गए हैं। तो खाने की तलाश में हम जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। दिस इज जर्मनी कैंपस, और हमें ना कुछ बहुत पेट भर के खाना है, सो इसलिए थोड़ा बहुत टुक 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 तो मिल रहा है, बट वैसा वाला नहीं मिल रहा जिससे मतलब लाइक यू नो बहुत सारा खाना हो, बहुत सारा आप खा लें, आपका पेट भर जाए तबीयत से, फिर आप कुछ ना मांगें। अंदर भी सीटिंग है लेकिन हम बाहर बैठ रहे हैं ताकि खुली फजा में बैठें, और अब हम खाना लेने भी जाएंगे। सो खाने के शॉर्ट्स में बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा क्योंकि सब कहते हैं यार अजीब लगता है, क्या चीज़ चोरा पाने खाना। तो खाना मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ, बट अब हम आराम से बैठ के खाना खाएंगे। सो खाने का हम वेट कर रहे थे कि हमें कहीं अच्छी जगह पर खाना मिले और कुछ ऐसा मिले जिससे हमारा पेट बहुत सारा भर जाए। सो यहाँ पर एक फर्स्ट फ्लोर पर रेस्टोरेंट मिला हमें एक जगह पर, और वो है कि चिकन टिक्का उसका नाम है। सो वहाँ पे बुफे है 49 पर पर्सन, उसके ऊपर वैट लगेगा 5%। सो हम आ जा रहे हैं, ज़रा खाना देखें, हम खाना खाएं फिर देख रहे हैं। बहुत भूख लगी फर्स्ट में। दिस इज अज़रबैजान पवेलियन, और हम इसमें आए हैं इन द कैफे। दिस इज द मेन्यू, बट जो इंटीरियर बना हुआ है इट्स कमाल। आप किसी भी पवेलियन विजिट करते हैं सो आपको मौका मिलता है बिल्कुल वैसी एग्जिट करने का। ये
यस, ये अज़रबैजान से हमने एक्सिट किया। थैंक यू। ओके, यहाँ पे पिक्चर हो रही है। ओके फाइन, सो दिस इज अ प्लेस आई गेस वी कैन सिट। तो जनाब, ये था हमारा आज का एक्सक्लूसिव हुमायूं टॉकीज आपके लिए। हमने दुबई एक्सपो 2020 विजिट किया और आपको बहुत सारे पवेलियंस में से सबसे पहले पाकिस्तान पवेलियन दिखाया। वैसे तो और बहुत सारे पवेलियंस हैं दिखाने को, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि इतना बड़ा एक्सपो है और अगर मैं इसे बनाने बैठा और सिर्फ रिकॉर्ड करने बैठा तो ट्रस्ट मी, ये सारे दिन मेरे जितने विजिट किए हैं वो सब यहीं गुजर जाएंगे। सो मजीद आने वाले दिनों में एक्सपो लगा हुआ है, 2020 विल डेफिनेटली कम बैक इन द नेक्स्ट मंथ और आपके लिए और जबरदस्त एपिसोड लेकर आएंगे। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दुनिया को बता दें कि यस हम एक ऐसी नेशन है कि जो सिर्फ प्यार और मोहब्बत बांटते हैं। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।